कहन राज को करन मन करो महान यह का आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सा मंगलमय सुख सा। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है जब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर पर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है,
जिस चैतन्य तत्व का कभी जन्म ही नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। स्वयं का वैभव प्रकट होता है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जो भी ज्ञान पाया है वह सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। खीर हो परंतु खीर में एक बूंद भी जहर की मिली हो तो वह जहरीली खीर है। जहरीली खीर भी नहीं, वो जहर है। और जो भी ज्ञान प्राप्त किया मिथ्यात्व न छूटा तो वह सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। फिर वह ज्ञान हजारों शास्त्रों का भी क्यों न हो, क्योंकि जब तक एक चैतन्य तत्व को न जाना हजारों शास्त्रों को जान करके भी कुछ भी नहीं जाना। ये प्रमाण है द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि का। ये जो 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करके भी 9वें ग्रहवे तक जाकर के फिर पतन हो और फिर अनंत भवों में परिभ्रमण हो। और जब भी मैं कहूं द्रव्यलिंगी मुनि ये किसी और के बारे में नहीं, ये मैं मेरे बारे में कहता हूं, ये मैं आपके बारे में कहता हूं। और इसलिए कि इस मनुष्य जीवन में अब हम उस शास्त्र के ज्ञान पर जोर न देंगे, और इसलिए मेरा पूरा जोर है आत्मज्ञान पर। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे किसी ने कहा कि मैंने 4 वेदों का अध्ययन किया है, मैंने 4 वेद पढ़े हैं, 4ों वेदों को पढ़ लिया। मैंने उनसे कहा ये झूठे वेद 4 नहीं है, वेद तो एक ही है। एक वेद को तुमने जान लिया कि तुमने सब कुछ जान लिया। और इसलिए ज्ञानियों ने यह कहा कि एक को जाना उसने सर्व को जाना। यह मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि यहां जो ज्ञान दीपक प्रज्वलन के लिए साधक पधारते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें यदि वहां आना है तो हमारे ज्ञान की पात्रता क्या, कितनी योग्यता, हमारे पास कितने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। और ये मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हें शास्त्र के ज्ञान को यहां लेकर आने की कोई भी जरूरत नहीं। उल्टा तो ये होगा कि शास्त्र के ज्ञान वाला यहां आने से वंचित रह सकता है इस भ्रम के कारण कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, अब मुझे जानने को कुछ भी नहीं है। शास्त्र का ज्ञान अज्ञान को दूर नहीं करता, अज्ञान को ढक देता है। फोड़े पर गुलाब का फूल रखने से फोड़ा मिटता नहीं, फोड़ा ढक जाता है। और शास्त्रों के ज्ञान को इकट्ठा कर ये भ्रम पैदा हो सकता है कि मैं बहुत कुछ जानने लगा। और इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम भले ही हजारों शास्त्रों को न जानते हो, हजारों शास्त्रों को नहीं एक शास्त्र को भी तुम न जानते हो, फिर भी
ये तुम्हारी जो पिपासा तुम्हें बुधामृत को प्राप्त करा रही है और कराएगी। पिपासा महत्वपूर्ण है शास्त्रों का ज्ञान नहीं, और इसलिए आप परमात्मा अत्यंत दूर दूर से यहां पधारे हैं। सबसे पहले यहां से ही शुरुआत हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, इसलिए मैं अपने सामने इन शास्त्रों को खोल करके नहीं बैठता। एक एक वाक्य की गहराई में जाकर एक एक वाक्य का विवेचन नहीं करता। समय बहुत अल्प है मेरे पास भी और आपके पास भी, और इसलिए उस आत्मा को कैसे जाने या प्रयोजनभूत जान ले, शास्त्र के ज्ञान को इकट्ठा करके तुम विद्वान हो जाओगे मगर आत्मज्ञानी नहीं। शास्त्र के ज्ञान को इकट्ठा करके तुम शास्त्री हो जाओगे मगर ज्ञानी नहीं। और इसलिए ये मैं आपसे कहता हूं कि तुम्हें समाज में मान सम्मान ख्याति प्रसिद्धि मिलेगी मगर तुम्हें वो आत्मा के निर्विकल्प अनुभूति की झलक का पता न चलेगा। उल्टा होता यह है कि जब तुम यहां आते हो तब तुम्हारे पास कोई भी शास्त्र का ज्ञान न हो, फिर भी कषाय है, अहंकार है, और जब तुम यहां आते हो तब फिर निवेदन करते हो कि ये मेरा जो अहंकार है उस अहंकार को मैं कैसे दूर करूं। पूरा अहंकार नहीं छूटा, इतना ही छूटा है कि यहां आकर बैठने को मैं तैयार हुआ, झुकने को तैयार हुआ। अब ये अभी थोड़ा अहंकार है जो सबके सामने मैं नहीं झुक सकता जैसा आपके सामने झुकता हूं। अब मुझे आप ज्ञान दो कि वो अहंकार भी मेरा मिटे। ये ज्ञान तुमने पाया इसके लिए कि वो जो बचा हुआ अहंकार है वह भी छूटे, मगर होता है अक्सर उल्टा। उस ज्ञान को पाकर, शास्त्र ज्ञान को पाकर, शास्त्री होकर तुम उस मंद कषाई से तीव्र कषाई में पहुंचते हो कि मैं बहुत कुछ जानने वाला हूं। तब तुम्हारी चाल कुछ और होती है, तुम ऐसे नहीं चलते, चाल में फर्क पड़ जाएगा। शास्त्रों को जानने वाले को मैंने देखा है, बहुत करीब जाकर के मैंने उन्हें देखा है। मैं शास्त्र ज्ञान का विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी हूं उनका जो शास्त्र ज्ञान को ही ज्ञान मान करके बैठे हैं। मैं विरोधी हूं उनका जिन्हें अंतर की तो कोई अनुभूति नहीं और ढोल नगारे बजाते रहते हैं शास्त्रों के नाम पर। स्वयं की अनुभूति हो, स्वयं का अनुभव हो। दो कौड़ी की शास्त्री की पदवी, इसे मैं दो कौड़ी की पदवी कहता हूं, और यह असली पता तो मुझे तब चला जब राजस्थान यूनिवर्सिटी से मुझे शास्त्री की पदवी मिली। जब वो पदवी लेकर के मैं निकला था उस समय ही मुझे वो नंबर देख करके पता चला, क्योंकि पदवी का जब सर्टिफिकेट मुझे मिला था और उसके साथ में आगे पढ़ाई के लिए जब सर्टिफिकेट मिला, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कि शास्त्री की पदवी अब समाप्त हुई, अब आगे पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, तब उस पर वो जो नंबर आया था वो 2451 नंबर था। वो नंबर जब मैंने देखा तब मुझे ये उसी समय स्मरण में आया था कि 24 तीर्थंकरों ने क्या ये शास्त्री की पदवी को पाया था। उस समय मुझे ये विचार आया था, 2451 राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये नंबर आया था।
कि क्या 24 तीर्थंकरों ने ये शास्त्री की पदवी पाई थी? शास्त्री की पदवी पाने के लिए बहुत कुछ पढ़ाई करनी पड़ती, बहुत कुछ रटना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती। 24 तीर्थंकरों ने पंचम गति को पाया एक चैतन्य का आश्रय लेकर। 2451 नंबर मैंने जब देखा तब ये विचार आया था, 24 तीर्थंकरों ने पंचम गति को पाया एक चैतन्य का आश्रय लेकर। ये शास्त्री की डिग्री लेकर नहीं, और ये बात मैं तुमसे कहता हूं, शास्त्री की डिग्री लेने के बाद में, डिग्री न लेना तो कोई भी कहेगा कि जिसके पास में डिग्री नहीं है वो डिग्री के बारे में बताता है, उसमें क्या। मैंने डिग्री लेकर के उस डिग्री को अपने नाम के आगे से हटा दिया। 2 कौड़ी की ये डिग्री मुझे नहीं चाहिए, मेरी नजर में वो 2 कौड़ी की है, दुनिया की नजर में वो महिमावान हो सकती है, मगर ये पदवी नाम के आगे नाम के पीछे ये पदवियां ये तुम्हें कहीं भी नहीं पहुंचाते। ये उपाधि कहते हैं उसे, उपाधि के 2 अर्थ होते हैं, पदवी भी होता है और उपाधि का अर्थ एक टेंशन भी होता है। आज हूं बहुत घनी बधी उपाधि माचू, गुजराती में ये कहते मैं बहुत सारी उपाधि में हूं, ढेर सारी परेशानी में हूं। उपाधि सचमुच ही उपाधि है, सचमुच ही उपाधि है। अंतर की यात्रा के लिए तुम्हें कोई भी पदवी की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जब मैं विचार करता हूं तब ये विचार आता है। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने क्या शास्त्री की पदवी को पाया था? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने क्या शास्त्री की पदवी को पाया था? तुम शास्त्र के ज्ञानी न होगे चलेगा, और मैं कहूं कि इस जमाने में तो तुम जितनी पढ़ाई लिखाई से दूर रहोगे उतना ज्यादा जल्दी से पाओगे। सच कहता हूं ये, क्योंकि पढ़े लिखे देश में अमेरिका आज दुनिया में नंबर 1 पर है, और मैं आपको बता दूं कि इतनी खोज अमेरिका करता है मगर खोज करने वाला अमेरिका आज 90 लाख लोग अमेरिका में रात को नींद की गोली लेकर सोते हैं, नींद नहीं आती है। 90 लाख, और ये आंकड़े भी सरकारी आंकड़े हैं, और आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े कभी सच नहीं होते, वो तो कम ही बताते हैं, होते तो असल में ज्यादा ही है। पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लिखावट तो बहुत होती है, मगर जब तक तुम अपने को अंतर में जाग करके देखोगे नहीं, अनुभव करोगे नहीं, तब तक तुम्हें वो व्यर्थ, वो पदवियों से मुक्त नहीं हो सकोगे। ये काम चलाओ नाम के आगे और पीछे, व्यर्थ के उपनाम लगा करके अहंकार की पुष्टि करना, ये मृत्यु के काल में तड़पना है। क्योंकि जितना तुम्हारा अहंकार घनीभूत होगा, जितना तुम्हारा अहंकार सघन होगा, जितनी तुम्हारी कुर्सी बड़ी होगी, मृत्यु के काल में तड़पना उतना और ज्यादा होगा। क्योंकि इतनी बड़ी कुर्सी तुमसे छूट रही है, इतना बड़ा मान सम्मान तुमसे छूट रहा है, इतनी बड़ी पदवी तुमसे छूट रही है, और ये पदवी छूटे उससे पहले ही जो पदवी को छोड़ दे उसे मैं समझदार कहता हूं। जब तुम अंतर में पाते हो, अनुभूति को उपलब्ध होते हो, लौकिक क्षेत्र में भी जो पाता है, उपलब्ध होता है, ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति को पाने वाले की डिग्री को किसने देखा? कौन देखता है? कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही कॉलेज में पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं और हाई स्कूल की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। भारत देश में तो ऐसे बहुत से किस्से हैं, धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े थे,
वो पढ़े नहीं थे मगर उनकी एक विशेषता थी कि पढ़े लिखे लोगों के पास काम कैसे निकलवाना, वो बहुत बड़ी कला है पढ़े लिखे लोगों से भी कैसे काम निकलवा लेना। मुकेश अंबानी ने भी, पढ़ाई चल रही थी और चालू पढ़ाई ही उन्होंने छोड़ दी थी। सचिन तेंदुलकर 10वीं कक्षा में पढ़ता था मगर आज पूरी दुनिया में प्रख्यात हो गया। कौन देखता है कि सचिन तेंदुलकर तूने 10वीं कक्षा पास की या नहीं की। तुम जिस क्षेत्र में अंतर में गहराई में चाहते हो, तुम्हारा ये सर्टिफिकेट, तुम्हारी ये पदवी, ये दो कौड़ी की हो जाती है। कपिल देव जो भारत के लिए विश्व कप जीत करके आया, पढ़ाई करते करते ही बीच रास्ते में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, क्या जरूरी है। ऐश्वर्या राय बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, अक्षय कुमार उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इन एक्टरों को, एक्ट्रेस को, आमिर खान को बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उनको जब मैं देखता हूं तब मुझे स्मरण में आता है एक्टिंग करने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, और ये संसार में रहना है तो एक्टिंग ही करना है और पढ़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं। इन हीरो और हीरोइनों को देख करके तो मैं यही कहता हूं कि इस संसार में तुम्हें नाटक करके जीना है। ये नकली नाटक है, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये सब नकली नाटक है और उस नाटक के लिए पढ़ाई करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं। ये इतिहास में मेरे पास में ऐसे बहुत से आंकड़े हैं कि तुमने पढ़ाई न भी की हो तो भी तुम उस परम पद की प्राप्ति को उपलब्ध हो सकते हो। पढ़ाई कौन देखता है और वो भी भारत देश में, किसे पढ़ी है पढ़ाई देखने की कि किसने कितनी पढ़ाई की। भारत की एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी 12वीं कक्षा तक पढ़ी, कॉलेज भी न गई, और भारत की शिक्षा मंत्री, मगर कौन देखता है। शिक्षा मंत्री होने के लिए तुम्हें कॉलेज जाना जरूरी नहीं होता। जब शिक्षा मंत्री होने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं तो अनंत सिद्धों से मिलने के लिए फिर ये पढ़ाई की क्या जरूरत है। तुमने इतना जाना कि यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये जाना कि तुमने सब कुछ जान लिया, इसलिए यहां रखे है शास्त्र, मैंने स्वयं ने लिखे शास्त्र यहां लिखे हैं, रखे हैं। यहां अलमारियां इतनी भरी है, ये सामने पूरा साहित्य का केंद्र है, हजारों शास्त्र। मैं शास्त्र का विरोधी नहीं हूं, मैंने ही आत्मसिद्धि शास्त्र को 1,00,000 केंद्र पर पहुंचाया, 144 देशों में। शास्त्र का विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी उसका हूं जो शास्त्र के ज्ञान को ही ज्ञान मान करके बैठ जाते हैं। मेरा कहना है कि आगे भी बहुत कुछ है। शास्त्र कुछ भी नहीं, वो क्या है, वो एक डंडा है। शास्त्र को मैं डंडा कहता हूं। जब आप सोते हैं और आपको कोई जगाए, डंडे से जगाए, तो जगाने वाला कोई और है, आपने डंडे को पकड़ लिया। डंडे को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि डंडे ने मुझे जगाया। ये डंडा आपको नहीं जगाता, डंडे के पीछे कोई जिंदा पुरुष है जो आपको जगा रहा। डंडा तो अचेतन है, जड़ है, वो तुम्हें जगाता नहीं, जिंदा पुरुष डंडे के माध्यम से तुम्हें जगाता है। शास्त्र डंडा है और वह जिंदा पुरुष वही सदगुरु है, वही सदगुरु है। सदा याद रहे, ये मार्ग जो है, ये मार्ग तो मस्ती वालों का मार्ग है, मस्तानों का मार्ग है, दीवानों का मार्ग है। तुमने कुछ भी शास्त्र न पढ़े चलेगा। लोक के क्षेत्र में भी जीसस क्राइस्ट, जिनको आज आधी से भी ज्यादा दुनिया उन्हें भगवान के रूप में मानती है, दुनिया मानती है ना, मगर उनकी पढ़ाई किसने देखी, वो कौन सी यूनिवर्सिटी पास करने गए थे। मगर अक्कड़ता, पकड़ ऐसी, माँ बाप सदा यही चाहते हैं कि बेटे को ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं हूं।
मैंने एक कहानी सुनी थी जो अभी मुझे स्मरण में आ रही है। सेंट फ्रांसिस के जीवन की ये कहानी है, कहां तक सच है मैं नहीं जानता, सुनी हुई है। उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद वो स्वर्ग में गया। वहां उसे पता चला पता ये चला कि मदर मारिया भी यहां पर है, जीसस की मां वो भी यहां है, मैं उससे मिलूं और उनसे पूछूं कि आपका बेटा इतना सफल हुआ, आपने उसे क्या सिखाया था, आपने उसे ऐसे कैसे संस्कार दिए थे कि आज आधी से भी ज्यादा दुनिया उन्हें भगवान के पुत्र के रूप में मानती है, सन ऑफ गॉड भगवान के रूप में पूछती है। आपका बेटा आपकी सुनता था, मेरा बेटा तो मेरी सुना नहीं, तो मैं संत हो गया। आपने ऐसा क्या किया था, कहां मेरी कमी रह गई, मैं जानना चाहता हूं। मदर मारिया ने कहा कि मेरा बेटा भी मेरी नहीं सुनता था, हम थे बड़े कारपेंटर सुथार लाकड़ा नु काम करे, हम थे बड़े, हम चाहते थे कि हमारा बेटा भी बड़े बने, सुथार बने, कारपेंटर बने, मगर वो कारपेंटर नहीं बना और भगवान बना। उसने मेरी भी नहीं मानी, जैसे तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी नहीं मानी, मेरे बेटे ने भी मेरी नहीं मानी। बहुत झटका लगा था हमको, ये बेटा कहां भगवान बन गया, उसे तो बड़े ही होना चाहिए था। मां बाप सदा वही चाहेंगे जो उन्होंने किया। कोई भगवान का पद पाने के लिए मुक्ति के मार्ग पर लगे, फिर भी तुम्हारी वो अकड़ता वो पकड़ पकड़ छूटती नहीं। मैंने आज तक किसी भी ज्ञान दीपक की पढ़ाई के बारे में कभी नहीं पूछा कि तुमने कितनी पढ़ाई की, बस इसी कारण से। मोहम्मद पैगंबर अनपढ़ थे बिल्कुल, गांव में रहते थे, गायों को चराने का काम करते थे, अनपढ़ थे। मगर आज पृथ्वी पर उनके नाम की वाहवाह हो रही है। कौन पदवी देखने जाता है, कौन पदवी देखता है। शिवभूति मुनि तुष्मास भिन्नम हो गए, याद ही नहीं रहता, भूल जाते। उनके लिए मार्ग बहुत सरल है। इस काल में तो मैं सच कहूंगा आपसे, याद रखना बहुत आसान है। जो शिकायत करते हैं मुझसे, मैं उनसे कहता हूं, वो कहते हैं याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। नहीं, याद रखना बहुत आसान है। मैंने छह डाला की 400 गाथाओं की रचना की थी जयपुर में, तब उसमें ये गाथा भी लिखी थी। याद रखना इस जगत में बहुत ही आसान है, यदि भूलना आसान होता होते हम लोकाग्र में। ये भूलना आसान होता कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा शरीर। याद रखना तो बहुत आसान है, यही तो भूलते नहीं। निकलो उनमें से बाहर, मत देखो उन पदवियों को। रायचंद के यथा योग्य परम कृपालु देव श्रीमान कोई पदवी नहीं, रायचंद पर्याप्त है, रायचंद पर्याप्त है। कौन सी यूनिवर्सिटी पास करने कृपालु देव गए थे, कितनी पदवी को उन्होंने पाया था। पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी उमराला में ही जन्मे, यही पड़ोस में धूड़ी निशाण में पढ़ते थे। गुजराती मायने धूड़ी निशाण के भाई, जो मिट्टी पर पढ़ना होता है, धूल पर।
उंगली से ऐसा एक और एक करके दो, ऐसा उंगली से लिखो या फिर लकड़ी से फिर लिखो एक और एक दो, धूड़ी निशान मिट्टी पर ही लिख करके पढ़ाई होती थी, वही नोट जमीन पर यह उंगली ही पेन बन जाती थी। और समय सार की प्राकृत भाषा की गाथाओं और संस्कृत के श्लोक आचार्य अमृत चंद्र देव के, जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने स्पष्टीकरण किया, रहस्य खोला, आज प्राकृत और संस्कृत के मास्टर कहते हैं, ऐसा गहरा भाव तो हम भी नहीं निकाल सकते। कहां से आया ये ज्ञान? शास्त्रों में से नहीं, अंतर से आया, अंतर से आया। फिर भी उन्होंने वंदन किया, शास्त्र की पूजा की, भक्ति की, शास्त्र की निंदा नहीं की, आदर किया। सिर्फ इतना कि शास्त्र के ज्ञान को ही तुम ज्ञान मत मान लेना, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है। शास्त्र के ज्ञान से आगे यात्रा करना, व्याकरण सीख जाओगे, विद्वान हो जाओगे, मगर अंतर में झांक लेना, कहीं अहंकार ने पकड़ तो नहीं लिया, तुम्हारी चाल बदल तो न गई, उमराला का नक्शा पता नहीं और तीन लोग का नक्शा हाथ में लेकर के घूमते हैं और दिमाग में लेकर के कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। अभी तुम्हारे लिए उमराला का रास्ता काम का है कि घर से यहां तक कैसे आना, तुम यहां की बात करो। ज्ञानियों ने लिखा है, ज्ञानियों ने लिखा है, मगर किनके लिए लिखा? जिनके पास दो नंबर की बुद्धि थी उनके लिए, दो नंबर की माने एक्स्ट्रा ज्यादा, उनके लिए ये सब लिखा। क्यों? क्योंकि जिनके पास में बुद्धि तो है मगर दौड़ाते हैं व्यर्थ के काम करने के लिए, उनके लिए लिखा था, वे पढ़ते नहीं है, और जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहता वो पढ़ने जाते हैं, उल्टा हो जाता है। ये जो मार्ग है मुक्ति का मार्ग, ये शास्त्रों को पढ़ करके ही प्राप्त न होगा। परंपरा, कुल परंपरा को छोड़ना होगा, स्वयं विचार करना होगा। इसलिए तो मैं अपने सामने कंप्यूटर को रखता हूं, शास्त्रों को नहीं रखता। बहुत से लोगों को झटका लगता है, ये परंपरा को क्यों तोड़ दिया? शास्त्र को सामने रखना चाहिए, शास्त्र को सामने रखो, क्योंकि हमारी प्रणाली का टूट न जाए, छूट न जाए, परंपरा न टूट जाए, शास्त्र को सामने रखो। मगर शास्त्र को रखना सामने, ये परंपरा थी, ये परंपरा कहां से आई? जो कहता है ना कि शास्त्र को हाथ में लेकर के, इस शास्त्र पर हाथ रख करके कहता हूं मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहूंगा, उसको क्या लेना देना? जो झूठ बोल सकता है, जो झूठ बोल सकता है वो झूठी कसम भी खा सकता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा, मगर उसको हम इतनी प्रधानता देते हैं कि बिल्कुल सच्चा हो गया, सच्चा हो गया, शास्त्र को सामने रखकर बताया। शास्त्र परंपरा नहीं थी। कौन से शास्त्र? ये शास्त्र, ये शास्त्र जब किसी को उपदेश दो, ये कोई अनादिकाल की परंपरा नहीं है। परंपरा शुरू होती है और फिर बदल जाती है। पहले कागज के शास्त्र रखते थे, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी समयसार रखते थे, समयसार को अपने सामने रखते थे, मगर समयसार भी असली नहीं, उस काल में जैसा चलता था ऐसा कागज का, वो भी असली कहां था? यदि असली रखना था तो वो ताड़ के पान पर लिखा गया, वो असली था, वो रखना चाहिए था, मगर ताड़ के पान का जमाना गया, फिर कागज का जमाना आया, कागज का जमाना गया, अब ये कंप्यूटर का जमाना आया। और मैं दावा ना करूंगा कि ये कंप्यूटर ही सच्चा, कल और कुछ आए वो सामने रख लेना, जड़ता कहीं पर भी नहीं,
मैं चाहता हूं तुम लोग किसी भी खूटी में बंध न जाओ, तुम बंधन में बंध न जाओ, तुम आग्रह में बंध न जाओ। कुर्ता पजामा पहन करके ही बैठा तो प्रवचन दे सकेगा? ये कुर्ता पजामा अनादिकाल से नहीं, आत्मा अनादिकाल से है, आत्मा पर सत्संग अनादिकाल से होता है, इसलिए ये जड़ता नहीं कुर्ते और पजामे की। शरीर को ढक करके रखा, कपड़े पहन करके शिस्त के साथ, ऐसा कि किसी और के लिए विकल्प के कारण न हो, नग्न होकर के ऐसे न बैठे, ढक करके रखा, जहां समाज में रहता है उसकी व्यवस्था का पालन कर, बस हो गई बात समाप्त। कपड़े में कोई धर्म नहीं, क्योंकि देह के कपड़े का ही धर्म के साथ में कोई लेना देना नहीं, तो ये बाहर के कपड़े का तो क्या कहना। मैं तुम्हें साथ में यात्रा करने को कहता हूं, उस आकाश में विचरण करने के लिए कहता हूं। अब तक जो तुमने सुना है उस पर तुम्हारा विचार प्रारंभ हो, छोड़ो ये नहीं कहूंगा, तुम विचार करो फिर तुम निर्णय लो, तुम्हें योग्य लगे तो स्वीकार करो। मैंने कभी आज तक दावा नहीं किया कि मैं कहता हूं यह सच है, मैं झूठा भी हो सकता हूं, मगर तुम विचार करो जब मैं कहता हूं तब, और तुम अंतर से समाधान पाओगे। ये मार्ग बुद्धि को दौड़ाने वालों का नहीं, ये हृदय से, ये हृदय से यात्रा करने का मार्ग है। श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा के समय हम ऐसा नहीं कहते कि मेरी बहुत श्रद्धा है, यहां दिमाग में हाथ लेके नहीं जाते, मेरी बहुत श्रद्धा है, हृदय पर हाथ लेकर जाते, मेरी बहुत श्रद्धा है। ये श्रद्धा का मार्ग है, ये अनुभूति का मार्ग है। यहां तुम्हें दिमाग को एक और करना होगा, तर्क वितर्क को एक और करना पड़ेगा, यहां तो बस अनपढ़, अनपढ़ कुछ भी नहीं जानते, मगर वो सब कुछ जानने को अधिक योग्य है, सब कुछ जानने को योग्य है। मनोवैज्ञानिक तो यहां तक कहते, ये जो हाथों से लिखना होता है, ये जो दाया हाथ उसका संबंध इस भाग से है मस्तिष्क के, उल्टा, और ये जो बाया हाथ है उसका दाएं भाग से संबंध है मस्तिष्क के, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं। और ये वाला जो भाग है ये दाया और बाया, ये बाया वाला जो भाग है वो इसका, ये दाया हाथ और बाएं साइड में ये जो दिमाग का भाग, ये हाथ तो है राइट साइड में और ये है लेफ्ट साइड में, और ये जो भाग है वो ज्यादा काम करता है, गिनती का काम करता है, दिमाग का काम, गिनती का काम। और ये वाला जो भाग है इसका संबंध दिल के साथ है, तो ये जो हाथ है जिसका ये हाथ ज्यादा एक्टिव रहता है वो दिल से ऐसा काम लेता होगा, मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत खोज की। और इसलिए जब हम किसी को रुपये देने की बातें करते हैं, बहुत से देशों में ऐसा होता है, यदि आप बाएं हाथ से रुपये दो किसी को तो अच्छा नहीं लगता, सुबह सुबह बोने में आप इस हाथ से दो, क्योंकि यहां हिसाब की बात चल रही है। जमणा हाथ है तो मैं आपको बधु काम जमणा हाथ है करो, आटला में लीधा था आटला तने आपी दीता, आटला लीधा था आटला आपी दीता, क्योंकि ये गणित वाला भाग, ये वाला भाग इसका ऐसा। और ये जो हाथ ये बिल्कुल उल्टा माना जाता है, मगर वो उसमें दिमाग नहीं, उसमें दिल काम करता है, उसमें आपका हृदय काम करता है। इस हाथ से, और जिन जिन लोगों के बारे में मैंने जाना है, आपने भी सुना होगा, जो बाएं हाथ से लिखते हैं, वो पढ़े लिखे कितने थे वो पता नहीं, मगर वे लोग कुछ अलग प्रकार के होते हैं।
उनके विचार कुछ अलग प्रकार के होंगे। जो बाएं हाथ से लिखते हैं, ये कोई नियम नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहता हूं, उन्होंने जो खोज की उसके बारे में जो कहा, महात्मा गांधी जी बाएं हाथ से लिखते थे, अलग प्रकार के थे, वो अलग प्रकार के ही होंगे। महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता ऐसे ही नहीं हो गए। मदर टेरेसा ये बाएं हाथ से लिखते थे, अमेरिका के राष्ट्रपिता हुए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बराक ओबामा वो बाएं हाथ से लिखता था, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बाएं हाथ से लिखते हैं, अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन बाएं हाथ से लिखते हैं, रतन टाटा बाएं हाथ से लिखते हैं, सचिन तेंदुलकर बाएं हाथ से लिखते हैं, फेसबुक को जिसने खोज की मार्क जुकरबर्ग वो बाएं हाथ से लिखता है, माइकल जैक्सन वो बाएं हाथ से लिखता है, चार्ली चैपलिन वो बाएं हाथ से लिखता है, जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन बाएं हाथ से लिखता है। मैं उनकी तारीफ इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं भी बाएं हाथ से लिखता हूं, मगर मैं तुमसे यह कह दूं कि इस हाथ से जो लिखने वाले हैं उनकी खोपड़ी कुछ अलग होती है। ज्यादा संभावना है क्योंकि दिल से वह दिमाग के लिए कोई जरूरत नहीं। और मैं आप परमात्माओं से कहूं, आप दाएं से लिखो या बाएं से, मैं तो जब छोटा था तब दोनों हाथों से लिखता था। जो बच्चे 3 घंटे में पेपर देकर आते, मैं 1.5 घंटे में आ जाता था, क्योंकि बाएं हाथ से एक और पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न ऐसे 2 पेज पर लिखता और आधे समय में ही आ जाता, और फिर दूसरे भी बच्चे मेरे पीछे पीछे ही वापस आ जाते, फिर वो मुझे मारते, एक हाथ से लिख क्योंकि तेरे पीछे सब जल्दी जल्दी आ जाते, उनका पेपर अधूरा रह जाता है, खेलने के लिए बाहर आ जाते, वो शिकायत करते थे। फिर मैं बाहर आता, उनका इंतजार करता, वो भी छोड़ करके आ जाते, फिर बहुत जोर जबरदस्ती थी। अभी वे गुरु जी यहाँ आए थे जो कह रहे थे, प्रवचन हॉल में पर्यूषण के समय यहाँ बुलाए थे, आमंत्रित किया था उनको, सभी गुरु जी को, फिर इस हाथ से लिखना बंद हो गया, क्योंकि गिनती का हिसाब मैं नहीं चाहता, मैं हृदय से काम लूंगा। शास्त्र के ज्ञान की और ही तुम्हारा जोर, ये तो बाहर की बातें मैंने आपको कही सिर्फ इतना बताने के लिए कि व्यर्थ की पदवियों में मत उलझना। यहां तो आप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, सिर्फ भाव लेकर आए, अंतर की भावना को लेकर आप यहां पधारे, तड़पते हुए, बस तड़पते हुए आए। बहुत तड़पता हूं, बहुत दुखी हूं, बस बात समाप्त हो गई। तुम्हारा अकस्मात हुआ रास्ते पर, लग लुहान हो गए तुम, तबीयत तुम्हारी खराब है, इतनी हालत खराब है, किसी सज्जन ने तुम्हें उठाया और लेकर के तुम्हें अस्पताल पहुंचाया, अब वहां पर जो तुम्हारा इलाज करने के लिए जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो कहे कि पहले इसका सर्टिफिकेट लाओ, पहले ये बताओ कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। नहीं, न देखेगा कोई भी डॉक्टर, तड़पता हुआ आया है, जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो जाए। संसार के दुख से तड़पते हुए थककर कि तुम इतने कि बस अब बहुत हो चुका, अब मैं परिभ्रमण न करना चाहूंगा, अब मैं दूसरी मां को दुख न देना चाहूंगा, अब मैं भविष्य में जन्म मरण करना न चाहूंगा, क्योंकि मैं चैरिटी घर से प्रारंभ करना चाहता हूं।
मैं सत्कार्य अपने निकट के लोगों से प्रारंभ करना चाहता हूं। चैरिटी घर से ही प्रारंभ होती है। घर से ही प्रारंभ होती और सबसे नजदीक में है मां। बस मां से चैरिटी प्रारंभ करो, रुपये देकर नहीं, उसे कष्ट न पहुंचाकर। कष्ट न पहुंचाओगे कैसे कि अगला जन्म होगा तो प्रसूति के काल में कष्ट पहुंचेगा। अब नया जन्म ही न लो कि मां को कष्ट पहुंचे। चैरिटी घर से चालू करो, मां से चालू करो। और कैसे कष्ट पहुंचाना बंद करोगे, स्वयं की अनुभूति के बल पर, शास्त्री की पदवी लेकर नहीं, पंडित होकर नहीं, बस स्वयं को जानकर, स्वयं को पहचान कर। ऐसे ऐसे ज्ञानियों के दृष्टांत मेरी नजर के सामने है। मगर आज इस पृथ्वी पर समझने के लिए, विचार करने के लिए भी मिलने बहुत मुश्किल है। एक नहीं, अनेकानेक ज्ञानियों के दृष्टांत मेरी नजर के सामने अभी आ रहे। ये तो समय की सीमा है कि मैं कुछ ही लोगों के नाम मैंने आपको बताए। कुरुक्षेत्र सिद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। लड़ाई होती थी, बोध हुआ अनित्यता की, असारता का, कि वही हथियार छूट गए, वही पर ही वस्त्र छूट गया, और बाहरी वस्त्र भी छूटा और अंतर का वस्त्र भी छूटा। वो कुरुक्षेत्र न रहा, वो सिद्ध क्षेत्र हो गया। फिर तुम उनसे कहो कि तुमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है या नहीं। युद्ध करना बंद करो, फिर यूनिवर्सिटी में जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर सीखो, फिर डिग्री लाओ। नहीं, ₹2009 की साल में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमए पास किया और मैंने एमए इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पीएचडी हो जाऊं, क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और कौन फिर जानता है कि यह असली डॉक्टर या नकली डॉक्टर। विमान में यात्रा करो, डॉक्टर हो तो टिक करो, फॉर्म भरने में वो भरना पड़ता है। ट्रेन में यात्रा करो, फॉर्म भरो तो आप डॉक्टर हैं, हाँ डॉक्टर है, टिक कर दो तो फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। डॉक्टर होना चाहता था, वो डॉक्टर नहीं, नकली डॉक्टर, डॉक्टर है। एमए की पढ़ाई चल रही थी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बस तभी शास्त्र को एक और कर दिया। फिर ये रचना हुई, ये बोध हुआ, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। फिर छोड़ दिया, फिर आगे नहीं पढ़ाई की, फिर किताब को हाथ भी नहीं लगाया। बस 2014 से लेकर के जो भी किताबें फिर पब्लिश हुई, पहले आगे लिखा जाता था पंडित, पीछे लिखा जाता था शास्त्री। ये सब व्यर्थ के बोझ, मुझे तो ऐसा लगता है। ये मैंने जाना है, तुम्हें न लगे तो तुम्हारी बात, मैं तुम्हें दखलगिरी न करूंगा, मगर मैं जो हूं वो स्वतंत्र हूं।
पकड़ छूट जाए, क्योंकि यक्षयोपशम ज्ञान का तालाब मैं नहीं, मैं चैतन्य सागर हूं। तालाब में पत्थर को फेंको कि तहलका मच जाता है, सागर में पहाड़ भी गिर जाए तो सागर को कुछ भी नहीं। क्षयोक्षम ज्ञान नु खाबोचियू नथी, अमारू स्वरूप नथी। ज्ञान बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं। यहां आत्महत्या करनी, मरकर नरक में पैदा हुए, भव के भव याद आ जाते हैं, स्मरण होता है, क्योंकि नरक में सभी नारकियों को जन्म से ही तीन ज्ञान होते हैं, सभी देवों को जन्म से तीन ज्ञान होते हैं, सभी नारकी को जन्म से तीन ज्ञान होते हैं। थोड़ी देर पहले भोजन क्या किया था वो याद नहीं रहता, दोपहर में क्या भोजन किया वो याद नहीं रहता, और आत्महत्या कर ली और नरक में पैदा हुआ कि भोजन तो याद आया मगर भव के भव भी याद आ गए। आत्महत्या करने वालों का भी क्षयोपशम ज्ञान तो बढ़ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। उस क्षयोपशम ज्ञान के वस्त्र को भी जो उतार देता है तभी असली रूप के दर्शन होते हैं, वही स्वरूप है, वही चैतन्य तत्व है, वही मैं हूं, वही तुम हो। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये जागृति बनी रहे। यहां आने का आपका एक ही प्रयोजन है, दूर दूर से आप यहां पधारे हैं, इतना ही प्रयोजन कि आप यहां आए। मैं आपकी कोई पदवी को न देखूंगा, कितना पढ़ करके आप आए हैं ये मैं कभी न देखूंगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में भाग लेने के लिए, जुड़ने के लिए तुम्हें कितनी पढ़ाई अनिवार्य है, ये स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा ज्ञान का दिया भी प्रज्वलित हो सकता है। तुम्हें सीखना नहीं पड़ता। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं आप जैसा बोलते हैं ऐसा बोलना सिखाओ ना हमको, ये बोलना सीखना पड़ता है, बोलना सीखना ना पड़ेगा। तुम कुछ ऐसा पालो तुम निर्भय हो जाओगे, अंदर से ही आवाज तुम्हारे प्राणों से आएगी, ये सीख करके नहीं बोला जाता, मगर शब्द पर हमारा जोर। बात आत्मा की ही कही हो, परमात्मा की ही कही हो, मगर तुम्हारे दिमाग में वो शास्त्र इतना 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 घुस गया है कि अब कोई परमात्मा की बात कहे तो तुम पूछते हो कौन से शास्त्र की बात करते हो। इस पर नहीं देखते, ये सत्ता स्वरूप पर नहीं देखते, कहां लिखा है ये बताओ, यहां का अनुभव, ये अनुभव पर तुम्हारा जोर। राजस्थान की ये घटना है, एक नगर है वहां सत्संग था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आज आप कौन से शास्त्र पर प्रवचन देंगे। मैंने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सामने रखा, लैपटॉप नहीं था उस समय, कागज, वो शास्त्र सामने रखा। सत्संग प्रारंभ हुआ, एक घंटे का सत्संग था और कोई भाई अपनी पत्नी को लेकर के आए थे, और इसलिए लेकर के आए थे कि चल तू, हमने जिनका नाम सुना है वो आज हमारे यहां नगर में आए हैं और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन है, तो
वो लेकर आए और मोक्ष मार्ग प्रकाशक सामने रखा था। सत्संग प्रारंभ हुआ और प्रारंभ हुआ कि कब समाप्त हुआ ये पता न चला, एक घंटा बीत गया और एक वाक्य भी मैं पढ़ न सका, मगर कहना था जो वो सब कुछ कह दिया। मगर सत्संग समाप्त होने के बाद में वो पत्नी अपने पति के साथ में बहुत झगड़ा किया, कैसे हो मुझे लेकर के गए, कहा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर तो कुछ बोला ही नहीं, बोला सब वही है मगर अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पहली पंक्ति को पढ़ो, ऐसा मैंने नहीं कहा था। और जो पंक्ति पर विवेचन था वही सब कुछ किया, मगर वो खोल करके अब मैं पढ़ता हूं ऐसा मैं कहना भूल गया। और सत्संग तो हो गया मगर उनको झटका लगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर तो प्रवचन ही नहीं हुआ और मैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन सुनने गई थी। जैसे ही मैं उठा मुझे समाचार मिल गए, क्योंकि समाचार तो पूरी दुनिया से आते हैं, द न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज, चारों दिशा से आते हैं। समाचार मिल गए कि आपने आज थोड़ी गलती कर दी। मैंने बोला गलती कर दी, ये सच है कि हजारों घंटे के प्रवचन में मैंने शास्त्र को न खोला, मगर एक वाक्य भी तुम लेकर आओ जो शास्त्र के विपरीत बोला, एक वाक्य लेकर आओ। मैं शास्त्र को खोलता नहीं मगर शास्त्र के खिलाफ भी कभी बोला नहीं, तुम लेकर आओ, आओ तुम मेरे साथ में आओ बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगा। बोले आपसे गलती वो नहीं तो कुछ और गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? कि आज आपने शास्त्र पर तो प्रवचन दिया ही नहीं, और वो भाई साहब जो अपनी पत्नी को लेकर आए थे वो अब कल से नहीं आने वाली क्योंकि शास्त्र पर प्रवचन नहीं। दूसरे दिन मैं गया, दूसरे दिन प्रवचन शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ और मैंने पहले ही वो जो पहला वाक्य था, अब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर चर्चा प्रारंभ करते हैं, पहला वाक्य है। और पहला वाक्य मैं बोला कि तुरंत ही वो भाई साहब ने अपनी पत्नी को फोन लगाया, जल्दी आ जा, आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर सत्संग हो रहा है। और पहला वाक्य बोला कि आजा जल्दी से, आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। और ये पहला वाक्य बोल करके फिर वो मस्ती में मस्त हुआ, वो पत्नी 5-10 मिनट के बाद में आई, मगर पूरे प्रवचन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम नहीं आया, तो फिर और झगड़ा हुआ। अब पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, लोग कहते हैं मेरी बातों को सुनकर, मगर गड़बड़ तो तुम में है, मुझ में क्या, मैंने क्या गलती की। फिर उन्होंने समाधान भी किया कि देख मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इन सबको तू पूछ। बोले नहीं, वो सब तुम्हारे दोस्त है, तुम झूठ बोलते हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर आज प्रवचन है। फिर वो रिकॉर्डिंग था, वो रिकॉर्डिंग उसको सुनाया, तब उसको भरोसा बैठा। मगर तीसरी बार वो आए, विवाद हो गया। विवाद का कारण अब मैं, यदि ऐसे विवाद मैं कारण बनता हूं तो मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं शास्त्रों को देख करके नहीं, मैं तुम्हारी आंखों को देख करके बोलता हूं, तुम्हारी पिपासा और प्यास को देखकर बोलता हूं। और जितना समय बचा है मैं भावना पाता हूं कि सुनते सुनते तुम सुनने का कार्य बंद कर दो, ये ध्वनि तुम्हारे कर्ण प्रदेशों के साथ में टकराए, मगर जैसे ही ये ध्वनि तुम्हारे कर्ण प्रदेशों के साथ टकराए तब ये शरीर बैठा है नीचे या कुर्सी पर, तुम्हें उसकी ओर ध्यान ही न चले, तुम्हें यह अनुभूति होगी
उस समय ही तुम ये स्मरण मत करना कि तुम कितना जानते हो, ये जो हो रहा है बस उसे यहां पर ही भेद ज्ञान करो, प्रयोग यहां करो, प्रयोग यहां से प्रारंभ करो, यहीं पर। आग लगी है क्रोध की, उस समय उस क्रोध के भाव और चैतन्य की नित्यता के लक्षण से दोनों को न्यारा जानो, एक में ये तरंग जानो और दूसरे में धारा जानो, दोनों अलग अलग है। क्रोध की तरंग है, बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, उससे लड़ाई मत लड़ो, क्रोध से उसका निरीक्षण करके भेद विज्ञान करो। कोई भी भाव आया, क्रोध का, मान माया लोभ का, विकार का नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी पर्याय में आया है, आत्मा की पर्याय में ही आता है ये भाव। और जब तुम उससे लड़ाई लड़ते हो, तुम तो अपनी पर्याय से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, और तब तुम अपने को खंड खंड में बांट देते हो। उससे नफरत नहीं करना, जैसे ही क्रोध का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, वृत्ति की मलिनता आत्मा में उत्पन्न हुई, उत्पन्न होने वाली इन मलिन वृत्तियों के काल में तुम चैतन्य तत्व में एक धारा, वो धारा कैसी, उसके रहस्य को अब मैं आपसे कहूं। विकल्पों की तरंग, विकल्प में तरंग कहा, क्यों, क्योंकि किसी व्यक्ति के प्रति आपको अभी बहुत प्रेम का भाव है, इतना प्रेम का भाव है कि पूरी पृथ्वी में आप उस व्यक्ति को डंके की चोट कहते हो कि ये व्यक्ति को मैं बहुत प्रेम करता हूं, ये व्यक्ति मेरे लिए भगवान है। और कभी तुम्हें वो जो भाव राग का भाव है वो बदल जाता है, पलट जाता है, अब ये शत्रु है, इसके प्रति मुझे कोई प्रेम नहीं, ये शैतान है, ये कोई भगवान नहीं। ये भाव तरंग पहले ऊपर उठी, फिर तरंग शांत हुई, मगर तरंगों का उठना, तरंगों का शांत होना, क्रोध का बढ़ना, क्रोध का शांत होना, क्रोध का बढ़ना, क्रोध का शांत होना, ये कषाय के भाव में रूपांतरण होता रहता है, रूपांतरण होता रहता है, मगर अंतर में बेहोशी और उन भावों की तन्मयता सदाकाल वही रहती है। वृत्ति की मलिनता उठती है, कषाय कौन सा ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो पर के लक्ष्य से उठने वाला ये तरंग, उसका भाव तुम समझो। जैसे दो सगे भाई, उन दोनों भाइयों को एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हुआ, गुस्सा इतना, लड़ाई हुई, छोटी सी बात के कारण कुछ लड़ाई हो गई, बातों में कुछ दम नहीं था। और तुम अपने जीवन में विचार करोगे, तुमने आज तक जितनी भी लड़ाई लड़ी, क्रोध किया, वो व्यर्थ की बातों के लिए, कुछ भी प्रयोजन नहीं था। कचरे के डिब्बे में भी उन विवाद को रखने के लिए स्थान न मिलता, मगर उसके लिए तरह तरह के विकल्प करके अपना मनुष्य भव ही व्यर्थ में गवा दिया है। छोटी सी बात के कारण दो भाइयों में लड़ाई हो गई, क्रोध आया, पिताजी है वहीं पर, पिताजी ने दोनों को बुलाया, इधर आओ, तुम अभी इतने छोटे हो और अभी इतना क्रोध, इतना गुस्सा, झगड़ा, ये सब ठीक नहीं, चलो माफी मांगो एक दूसरे से। माफी मांगने के लिए कहा, बच्चे छोटे थे, दोनों बच्चे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, माफी मांगने को तैयार हो या नहीं, कि हाँ, पहले ने कहा हाँ माफी मांगने को तैयार हो, दूसरे ने भी कहा माफी मांगने को तैयार हो,
क्रोध गया, माफी मांगने को तैयार हुए, फिर खड़े क्यों हो? क्योंकि विचार यह आता है कि माफी मांगे तो पहले कौन मांगे? मान का भाव खड़ा हुआ, क्रोध छुटा मगर मान, ये विकृति कैसे रूपांतरित होती है वो मैं आपसे कहता हूं। क्रोध का भाव गया कि मान का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, और वह मान का भाव ऐसे रूपांतरित हुआ कि मैं पहले न झुकूंगा, पहले ये झुकेगा। दूसरा भी यही कहता है कि पहले मैं न झुकूंगा, पहले वो झुके। फिर पिताजी ने कहा छोटे बेटे को कि तू छोटा भाई है, चल पहले झुक। बड़े को नहीं, छोटे को झुकना चाहिए। तो छोटा भाई नीचे झुका मगर नकली, ऐसे ही खड़ा हुआ और ऐसा ऐसा हाथ कर दिया। तो मान तो छोड़ने को तैयार हुआ मगर माया अंदर में कुछ और है और बाहर में नाटक करता है, ये माया में रूपांतरण हुआ। रहस्य कैसे माया का भाव खड़ा हुआ और माया के पीछे लोभ है। क्यों की तुमने ये माया? बोले ये माया नहीं करता, ये झुकता नहीं। तो पापा की आधी संपत्ति मुझे मिलती नहीं, लोभ, जिसके प्रति मेरा लोभ है, संपत्ति या चॉकलेट कुछ भी, मगर मुझे कुछ नहीं मिलता। क्रोध का मान में, माया लोभ में ऐसा रूपांतरण होता रहता है और यह वृत्ति तुम्हें पता ही नहीं चलता। क्रोध गया, तुम मान लेते हो कि मैं कषाय से मुक्त हुआ, नहीं, उस कषाय ने दूसरा रूप धारण कर लिया। वो विकृति अंदर पड़ी है, वो तरंग किसी और रूप में प्रकट हुई है। और कैसे हो इन तरंगों से मुक्त, उसके लिए मैं आप परमात्माओं से कहूं, परम कृपालु देव ने कषाय भाव के बारे में यही कहा, क्रोधादि तरतम्यता मानादि शत्रु महा। ये आदि कहके ये सब कषायों के तरंगों को ले लिया। कषाय के तरंग, ये कषाय के तरंग उठते हैं, उसे तरंग इसलिए कहा क्योंकि बढ़ते कम होते, बढ़ते कम होते, बढ़ते कम होते, बढ़ना घटना, घटना बढ़ना, ये सब होता रहता। और ज्ञान में ऐसा नहीं, जो मेरा अंतर में ये कार्य हो रहा है, जानना 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 जानना, वो कितना जानना ये नहीं, उसके भी पीछे एक मात्र जानना 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 जानना, और उस जानने रूप प्रवाह में कोई तरंग नहीं, वहां मात्र जानना है, वहां कोई तरंग नहीं। क्यों? उसका कारण है क्रोध बढ़ता है और कम होता है, मान बढ़ता है और कम होता है, मगर ये जो जानना है उसमें ऐसा भेद नहीं होता। अंतर की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, उसका कारण ये है क्योंकि क्रोधादि विकार के भाव उत्पन्न होते हैं, ये पर द्रव्य के लक्ष्य से और कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले ये भाव है। कर्म का उदय उसमें निमित्त है और पर का लक्ष्य है, तो कर्म का तीव्र उदय है तो भाव तीव्र है, कर्म का उदय मंद है तो भाव मंद है। कर्म का उदय उसमें निमित्त है, कोई पराया कर्म का उदय उसमें निमित्त है, तो जैसे कर्म का उदय तीव्र होता है, कर्म का उदय मंद होता है, तो ये भावों में भी ऐसा परिवर्तन आता है। मगर ये जो जानना जानना ये सहज जो हो रहा है, वो किसी कर्म के उदय के कारण नहीं हो रहा,
वो तो आत्मा का स्वभाव है कि जानना जानना, उसके पीछे कोई कर्म कारण नहीं बनता, क्योंकि जानना जिसके लिए कर्म कारण बने तो वो स्वभाव ही नहीं रहेगा। स्वभाव तो उसका नाम है कि जिसमें कोई पराये की जरूरत न पड़े, उसका नाम स्वभाव है। तो क्रोध के लिए शत्रु की जरूरत पड़ती, किसके ऊपर मैं क्रोध करूं, कोई तो मिले, कोई तो मिले। मगर जानने के लिए मैं क्या करूं, किसको जानूं, कोई तो मिले नहीं। कोई पराया न मिलेगा तो भी तुम्हारा जानने का काम अटकेगा नहीं, अपने को जानोगे। मगर क्रोध का काम ऐसा नहीं, कोई पराया नहीं मिलेगा तो क्रोध बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि अपने पर क्रोध होगा, क्योंकि अपनी ओर ध्यान जाता है तो क्रोध छूट ही जाता है। ऐसा है, क्रोध के लिए ये नियम है कि वो पर की ओर ध्यान जाए तो क्रोध का भाव हो, और ज्ञान के लिए ये नियम नहीं है कि पर हो तो ही ज्ञान हो। ज्ञान ऐसा है कि पर हो या न हो, ज्ञान का जानना 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 ये मेरा स्वभाव है, ऐसा ये ज्ञान का परिणमन। ये जो जानना 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 हो रहा है, जानने जानने रूप परिणमन होता है, मगर जानने रूप परिणमन होकर के भी वो ज्ञान ज्ञान मात्र, वो ज्ञान सत्ता मात्र रहता है। वो परिणमन के काल में भी ज्ञान की सत्ता को कुछ नहीं होता, वो परिणमन ज्ञान का होता है, मगर ज्ञान के परिणमन में भी ऐसा परिणमन नहीं होता कि वो राग के विकल्प के रूप में पलट जाए। ये पलटना तो होता है, ये उसका भाव ये गहरा है। ऐसा आम का रस है, कैरिनो रस, ये कैरिनो रस अत्यारे स्टील ना ग्लास में छे, पछी ये स्टील ना ग्लास में थी आम, अत्यारे वो स्टील के गिलास में है, उसको निकाल करके अब चांदी के गिलास में डाला, अब चांदी के गिलास में से निकाल करके सोने के गिलास में डाला, तो उस आम के रस में पलटना 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 तो होता है कि आम का रस पलटा पलटा, मगर पलट करके भी वो आम का रस रहता है, वो मौसमी का रस नहीं हो जाता। पलटना तो हुआ, ऐसे ही ज्ञान का जानना 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 ये परिणमन तो होता है, मगर ये परिणमन राग के रूप में रूपांतरित हो जाए ऐसा नहीं होता, ज्ञान रूपी परिणमन होता है। ऐसा ये अनादिकाल से है, अनादिकाल से भगवान आत्मा ये जानना 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 जानना, तुम तो जानते ही नहीं हो भी, जिस दिन जान जाओगे उस दिन जान से जाओगे, जान से जाओगे अर्थात ये देह ही छूट जाएगा, सिद्धा लय में पहुंच जाओगे, जिस दिन जान जाओगे उस दिन जान से जाओगे। ये जानना 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 जानना, जानने के साथ में तुम्हारी मस्ती ऐसी है, तो ज्ञान वो क्षयोपशम ज्ञान वाला जानना नहीं, सहज निरंतर ये ज्ञान, उसका 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 कोई उसके साथ में लेना देना नहीं, उसकी अवस्था ऐसे पलटे नहीं, उसका उसका परिणमन उसकी यात्रा ऐसी कैसी है, उसकी यात्रा ऐसी है कि जैसे गुड़ है ना, अब उस गुड़ को गुड़ है, वो गुड़ में गोल है, गुड़ है गोल है, आम ऐसे देखा नहीं होगा मगर यह समझने के लिए, अक्सर ऐसा होता है जिसका जैसा नाम होता है ना ऐसा होता नहीं है अक्सर, आम के भाई गोड़ पर गोल क्या रहे, गोल ना हो आडो अवड़ो जो आम ले गोल, गुजराती मैंने गोल के भाई, तो वो गोल, अब उसको जैसा आकार है उसको ऐसा दबा दिया,
तो जब दबा दिया उसको और फिर उसका अलग अलग आकार किया तो 11 बजे वो गुड़ मीठा और 11 बजकर 1 सेकंड पर जैसे उसको ऐसा दबाया तो 1 सेकंड पर जैसे दबाया और गुड़ की अवस्था बदल गई ना, आकार बदल गया गुड़ का, मगर आकार 11 बजे का मिठास का और 11 बजकर 1 सेकंड पर जो मिठास का उसका मिठास 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 उस मिठास के साथ में वो गुड़ का आकार पहले जैसा, गुड़ का आकार बाद का, उस आकार का कोई लेना देना नहीं, वहां तो मिठास की यात्रा हो रही है ऐसी। तो आत्मा का ऐसा है कि अभी आत्मा, अभी हाथ ऐसा है और आत्मा भी यहां पर है, अभी हाथ ऐसा हुआ तो आत्मा ऐसा, तो आकार 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 ये बदला, ये आकार आकार आत्मा का बदला, मगर अंतर की जो जानना 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 उस यात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का स्वरूप कैसा है भगवान, ये चैतन्य तत्व की अनादि अनंत ये ज्ञान की जो यात्रा है, ज्ञान की यात्रा है, ज्ञान की यात्रा हो आ जानना 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 वो परिणमन तो होता है, उस गुड़ को कोई लेना देना नहीं है कि मुझे किसने चखा, मैं कहां चखने में आया, उसको कोई लेना देना नहीं, वो है मात्र, किसी ने चखा या न चखा, किसकी जीभ पर वो है या फिर वो डिब्बे में वो है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं। गुड़ मिठास से परिपूर्ण जैसा है ऐसा है, भगवान आत्मा जब निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में अनुभव में आता है, जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में अनुभव में आया तो 4 बजे से पहले जब अनुभव में नहीं आता था, ये भाव समझने जैसा, 4 बजे से पहले 3 बजे अनुभव में नहीं आता था, तो 3 बजे जो भगवान आत्मा और 4 बजे जब वो अनुभव में आ रहा है, ये इसको ऐसे समझो, ये जो भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा और ये 4 बजे की ये अवस्था, तो 4 बजे की ये जो अवस्था है, उस 4 बजे की अवस्था में ये भगवान आत्मा ये अनुभव में आया, मगर ये जब अनुभव में आया ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ये 4 बजे की एक समय की अवस्था पर्याय, जिस पर्याय में वो अनुभव में आया, मगर 3 बजे की जब वो पर्याय, तब वो भगवान आत्मा 3 बजे की पर्याय में अनुभव में नहीं आता था, 4 बजे की पर्याय में अनुभव में आया और 3 बजे की पर्याय में अनुभव में नहीं आता था तो भी, और 4 बजे अनुभव में आया तो भी, इसका जो स्वरूप है भगवान आत्मा का स्वरूप, वो 3 बजे का और 4 बजे का अलग अलग नहीं, तो अनुभव में आए या अनुभव में ना आए, जो सदा काल जैसा है ऐसा रहता है, गुड़ किसी की जीभ पर जाए या डिब्बे में पड़ा रहे, मिठास 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 ऐसा में चैतन्य तत्व स्वरूप, तो एनी बात आवी बधी बात छे अनुभवमां, आ भगवान 4 बजे अनुभव में आने पर भी और 3 बजे अनुभव में आने न पर भी जो स्वरूप जिसका वही रहता है, वही रहता है और वह भगवान आत्मा मैं उसमें अपना कर, ये भगवान आत्मा यही मैं हूं, यही मैं हूं, अनुभव करना या नहीं करना, यही मैं हूं, ये जो स्वीकार, ये स्वीकार में अनुभव आया, स्वीकार करने में अनुभव आया,
इसका भाव ये स्वीकार करने में। अनुभव करना है, अनुभव करना है, अनुभव करना है, उसमें अनुभव नहीं आता। उसका कारण यह कि आत्मा की अनुभूति के लिए मैं अपना ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना चाहता हूं, प्रज्वलित करना चाहता हूं, प्रज्वलित करना चाहता हूं, उसका प्रज्वलित नहीं होता। मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, ऐसा स्वीकार हो अनुभव। पची चत है ये 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 पूरी तरह से पूरा स्वरूप अंतर में वो स्वरूप स्वरूप ने अनुभव नहीं किया। अनुभव तो पर्याय में हुआ, मगर वहां मैं पर्याय और मैं द्रव्य ऐसा भेद मिट गया, वो निर्विकल्प हुआ। तब वो देखा ऐसा। अभी कपड़े पहने, अभी कपड़े पहने ऐसा, अभी कपड़े पहने, कपड़ा मैं नहीं हूं मगर कपड़े अभी पहने। हल्का हल्का फुलका हलवा हलवा फूल जेवा थई जाओ तमे, एम लागे हळवू हळवू छे बधु, हळवू हळवू छे। ये हळवू थई गयो बधु, पेला भारे हतो पण हळवू थई गयो। ये हळवो हल्का हो गया, वो हल्का वजन से हल्का नहीं, पहले वजन से वो भारी था और फिर वजन से हल्का हो गया, वो तो पुद्गल का अनुभव है। लोग मेरे पास आते हैं, मैं हल्का 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 हो गया ऐसा लगता है, पहले जितना वजन लगता था उतना नहीं लगता, हल्का लगता है। शरीर में अशक्ति आ गई होगी, हल्का हल्का लगता है, खाली बाली चढ़ी गई हो इन पगमा, ऐसा होता है बैठ बैठ के पैर में, हल्का हो गया। कल ही मेरे पास कोई आया था, प्रकाश 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 दिखता है। अरे भाई ये अनुभव नहीं, ये तो पुद्गल की कल्पना है। प्रकाश नहीं, वो प्रकाश नहीं, हजारों सूरज के प्रकाश जैसा वो अनुभव, हजारों सूरज इकट्ठे हो और जो प्रकाश, ऐसा प्रकाश वाला भगवान आत्मा वो मूर्ख पुद्गल का प्रकाश है, वो चैतन्य का नहीं। वहां तो अनुभव, कहूं तो क्या कहूं और कहूं तो कौन समझेगा। पहली तो बात वहां से ही अटक जाता है, कहूं तो क्या कहूं, और कह भी दे तब भी वो इतना तो कह देता है, कहता तो हूं मगर समझेगा कौन। मगर ना चाहोगे तुम, ख्याति प्रसिद्धि के लिए और रास्ते ठीक है, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ख्याति प्रसिद्धि चाहिए, बहुत रास्ते, मगर कल्पना में से बाहर निकल जाना, वरना ऐसा होगा कि थोड़ी देर पहले प्रकाश नहीं था, प्रकाश आ गया, अनुभूति हो गई। ये मूर्ख पुद्गल का प्रकाश है, यहां तो प्रकाश अकेला नहीं, हवा भी है। चैतन्य तत्व की अनुभूति में इन पुद्गल के लक्षणों के लिए कोई भी अवकाश नहीं, वहां अंतर में परिपूर्णता को अनुभव करोगे,
किसी को मैं कहूं कि मैंने पा लिया, मगर कोई मिलता नहीं है। किसे कहूं मैंने पा लिया, मैं किसे कहूं? नहीं, चैन नहीं पड़ता, बेचैन होता हूं। किसे कहूं मैंने पाया है? नहीं पाया। वो बेचैन क्यों होगा? पाया बस वहीं पर है, फिर कोई दूसरा जाने या न जाने, फिर वहां यूनिवर्सिटी की मोहर लगाने की जरूरत न पड़ेगी। मीरा ने पद गाए, लता मंगेशकर ने भी गाए, उन्हीं पदों को पीएचडी मिलती है, डिग्री पदवियां मिल जाती है कोल्हापुर यूनिवर्सिटी से। मीरा को पदवी ना मिली, मिला तो जहर मिला। बोलने में कुछ दम नहीं, व्यक्त कर देने में कुछ दम नहीं, गाना गा लेने में कुछ दम नहीं, अंतर की अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, उधार शब्द वही लौटा दिए और अपने वैभव का स्वीकार कर लिया। तुम क्यों भिखमंगे बनते हो कि दूसरों की वाणी सुनकर के तुम अपने को पूर्ण करना चाहते हो? नहीं, क्षमा कीजिए, मैं परिपूर्ण हूं। और ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारे लिए मुझे तुम्हें अलग से बिठाने की जरूरत न होगी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि पढ़े लिखे जो है, जो शास्त्रों को पढ़े लिखे, उनके लिए अलग से कक्षा। और अनपढ़ लोगों के लिए अलग से। मैंने कहा नहीं, यहां सभी लोग बैठे, सभी लोग बैठे, यहां पक्षपात ना हो। 8 साल की बच्ची भी ज्ञान दीपक है, पक्षपात ना हो। कारण है, तीर्थंकर भगवान के समोसरण में 4 ज्ञान के धनी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, 4 ज्ञान के धनी गणधर देव, गणधर देव के लिए तीर्थंकर भगवान की वाणी में जो उपदेश निकला था, वही उपदेश जानवरों के लिए भी निकला था। जानवरों को कहीं अलग नहीं बिठाया था कि तुम्हें बाद में अलग से उपदेश दे देगी, क्योंकि जहां चैतन्य की पुकार होती हो, वहां कैसे देखो कि ये पात्र है और ये नहीं। सभी जीव पात्र। आपकी पात्रता क्या है? उत्कंठन। एक ही थे काम, एक आत्मार्थ। यहां आए एक ही प्रयोजन, चलते फिरते उठते बैठते जागृति कैसे प्रकट हो। व्यक्त करने पर जोर मत देना, व्यक्त होगा, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। मैं परफ्यूम छिड़क करके आया हूं, ये बोलना ये शंका पैदा करता है परफ्यूम छिड़का है या नहीं। वहां से तो जहां फूल खिला कि सुगंध फैली, सुगंध तो फैलती है,
मगर हम दुर्भाग्यशाली, परम कृपालु देह का अनुभूति का फूल खिला, मगर हमने हमारे नासापुटों को बंद करके ऐसे रखा है, जुखाम हो गया है, बीमार है, वो सुगंध हमें सूंघने में ही नहीं आती है। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, व्यक्त करने के लिए तुम कुछ भी मत करना, न करोगे ये भी तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, अभी इसलिए कहना पड़ता है कि व्यर्थ में समय मत गवाना, कि मैंने पाया, जिन्होंने पाया वहां फूल खिला, सुगंध नहीं की, सूरज उगा, दिन हो गया, पक्षियों ने गाना प्रारंभ कर दिया, वो पक्षी को जगाने आता नहीं, गाने के लिए कुछ भी नहीं, वो सहज एक अनुभूति सहज है। दिया जला, उस दिए को विकल्प न करना पड़ेगा कि दूसरा प्रज्वलित हो, दूसरों को मैं प्रकाशित करूं, यदि विकल्प करना पड़े तो वो जलता हुआ दिया नहीं। पदार्थ प्रकाशित होते हैं, करता भी नहीं, होते हैं। ऐसा ही है, अनुभूति को तुम उपलब्ध होगे, जब भी तुम्हारे मुख से झरेगा अमृत झरेगा, परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी न समझ सके हम उन महापुरुषों को, पर अभी नहीं, उनके समय में भी, उनके समय में कबीर को बहुत परेशान किया था पंडितों ने काशी के, मगर कबीर को कुछ भी नहीं, वो ऐसे मस्त रहते थे। बुद्ध के जीवन की घटना तो पूरी पृथ्वी पर प्रचलित हो चुकी है, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया था, गाली देते थे लोग, मगर वे कहते थे आपने कह दिया जो कहना था, एक गांव में ही लोगों ने घेर लिया था, आपने कह दिया जो कहना था, आपकी बातचीत समाप्त तो हो गई, तो मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है। और लोगों को बुरा लगा, झटका लगा, क्या कहते हो आप, बातचीत हमने सीधी सीधी साफ गाली दी है। और बुद्ध कहते थे तुमने दी, मगर लेना न लेना मेरे पर है, क्योंकि जब तुम देते हो तब जब चिपके, वो जहां चिपकती है वही अब यहां नहीं रहा, बुद्ध ऐसा कहते थे, वो यहां नहीं रहा, क्योंकि तीर जब आप लगाते हो तब सामने जाकर के चिपकता है, वो कोई सेंटर हो उस सेंटर पर चिपके, मगर जब सेंटर ही ना हो तो चिपके कहां, वो जो सेंटर है वो सेंटर यहां नहीं है, वो सेंटर का नाम अहंकार है, जब अहंकार नहीं तो तुम्हारी गाली चिपकेगी कैसे। और अब जो कह दिया हो, जो कहना था, तो रास्ता दो, मुझे आगे के गांव जाना है, और जिसे कहीं जाना है वो व्यर्थ की गाली को सुनेगा नहीं, क्योंकि कहीं जाना है, और मुझे जाना नहीं है, मुझे बुद्ध से भी आगे की बात तुमसे कहना है,
मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं पहुंचना है। जाना और पहुंचना दोनों में अंतर है, इसलिए कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि, मगर हम जैन धर्म में क्या कहते हैं, अरहंते शरणम पवच्छामि। गच्छामि नहीं, अरहंते शरणम पवच्छामि, गच्छामि नहीं। गच्छामि का अर्थ है जाना और पवच्छामि का अर्थ है पहुंचना। जाना और पहुंचना दोनों में अंतर है। जाने वाला जाता है मगर जरूरी नहीं पहुंचेगा, बीच रास्ते में ही अटक जाए और न पहुंचे, बीच रास्ते से ही वापिस लौट जाए और न पहुंचे, बीच रास्ते से ही किसी और रास्ते पर चला जाए और न पहुंचे। मुझे जाना नहीं पहुंचना, अरहंते शरणम पवच्छामि पवच्छामि। इसलिए मैंने लिखा ज्ञान से ज्ञायक तक में, ज्ञान से ज्ञायक तक जाना नहीं है, ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचने में प्राप्ति है। जिसे कहीं पहुंचना है वो व्यर्थ की सुनता नहीं है, कहीं पहुंचना है क्योंकि यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और एक ही यात्रा है। जागृति से भरा हुआ, होश से भरा हुआ धर्म यही एक यात्रा है, धर्म ही एक यात्रा है। क्योंकि यात्रा उसे कहते हैं जो कहीं पहुंचाए, हम जिसे यात्रा कहते हैं वो यात्रा नहीं, क्योंकि वो कहीं पहुंचाती नहीं, वो सिर्फ भटकाती है, वो यात्रा नहीं, संसार में भटकाती है। मुंबई से उमराला आना, अमेरिका से उमराला आना, ये यात्रा नहीं। मगर ये तुम्हारे ज्ञान की ये अवस्था जो यात्रा कर रही है, उसे आज तक अवसर न मिला, अवकाश न मिला ऐसा कि वो ज्ञान के परिणमन में कौन है सत्ता मात्र उसे जानने रूप परिणमित हो जाए। एक क्षण के लिए भी वो अवसर न आया, एक समय के लिए वो अवसर न आया। तुम कर्मों के बोझ से मुक्त हुए नहीं, बंधन से मुक्त हुए नहीं, तुमने ये अनुभव किया कि जो कर्म के बोझ से और कर्म के बंधन से बंधा नहीं, वही मैं। मुक्त होने के लिए बंधना जरूरी है, मगर उस समय स्वरूप की अनुभूति होती है कि वह मुक्त है। तुम अनुभव नहीं करते कि जेल में से बाहर निकल गए, आत्मा की अनुभूति होगी तब तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं होगा कारागृह से मुक्त हुए, तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि मैं वह हूं जो कारागृह में कभी गया ही नहीं था। यह कारागृह कल्पना है, उस द्रव्य की सत्ता में तो कहीं कारागृह नहीं, सत्ता के संबंध में कारागृह यह कल्पना है, क्योंकि सत्ता को कोई कारागृह नहीं। चैतन्य की पुकार, अमृत की वर्षा, जब बादल, इतने बादल तैयार हो जाते हैं, भर जाते हैं पूरी तरह से, फिर क्या होता है, फिर बरसते। बहुत दिनों से मैं भर गया था, खाली हो रहा हूं, अमृत बरसा और कोई भेद नहीं। उमराला में बरसना
और पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मेरा ये भाव है, मेरी ये भावना है, ये स्वरूप सभी जीवों को प्राप्त है। इसे दीवार में बांध न दिया जाए। इसी कारण से अफ्रीका की जेलों में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की जेल में अस्पतालों में, पागलखानों में, जहां जहां सत्संग हुआ मैंने उनको यही कहा, तुम भी पात्र हो, तुम में भी योग्यता है। ज्ञान की यह प्रति समय परिणमित होती अवस्था में तुमने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया, वही आत्मा का दर्शन है, वही आत्मा का दर्शन है। मटके में मिट्टी को देख लेना ये बहुत बड़ी कला है। समुद्र की तरंग में सागर के दर्शन हो जाना ये बहुत बड़ी कला है। तुम ढूंढने मत जाना आत्मा को कि कहां है आत्मा। ये जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन में ही तुम्हारी रुचि के पलटने पर दर्शन होगा वो सत्य का। और जब तुम्हारी रुचि कहो तो रुचि का भाव भी गहरा है। अंगूठी पड़ी है मगर अंगूठी में तुम सोने को जैसे देख लेते हो और तुम्हारे आनंद का कारण वह सोना, और सोना वो 12 बजे धूप में सोना चमक रहा है। रास्ते से तुम जा रहे थे तुम्हें आनंद आया, वह आनंद किसका? अंगूठी मिलने का नहीं, सोना मिलने का। मगर तुमने अंगूठी में सोने को जाना है। ऐसा नहीं कि अकेला सोना तुम्हें कहीं से मिल गया, अंगूठी की अवस्था में सोना तुम्हें प्राप्त हुआ। इसलिए हमेशा एक बात याद रहे, जब भी आत्मा प्राप्त होगा पर्याय में प्राप्त होगा, मगर पर्याय में प्राप्त होगा पर्याय से न्यारा प्राप्त होगा। सिर्फ रुचि न हो उस अवस्था की, रुचि अर्थात अपनापन, एकत्व, एकत्व उस अवस्था में न हो, एकत्व उससे पहले की अवस्था, उससे पहले की अवस्था, उससे पहले की अवस्था और उसके बाद की अवस्था, उसके बाद की अवस्था, उसके बाद की अवस्था, तो पूर्व की और बाद की ये समस्त अवस्था में व्याप्त जो सोना, वो सोना मात्र में अपनापन की, अब ये सोना मेरा है, अपनापन की ये सोना मेरा है। अब सोनी के पास तो अंगूठी लेकर के गए, अब तुमने सोनी को कहा, सुना, तुमने उसे कहा, कि इस अंगूठी में से
मुझे अब कान की बुट्टी बना दो। सोनी के पास में आप गए, सोनी बदल भी देता है, मगर आप निश्चिंत हो, मेरा सोना वहां पड़ा है, मेरा सोना पड़ा है, मेरी अंगूठी नहीं, मेरी बुट्टी नहीं, मेरा सोना पड़ा है, मेरा सोना पड़ा है। अपनापन, अटैचमेंट, बस ऐसा ही यह स्वरूप है। ज्ञान जब पदार्थ को जानता है, ये ज्ञान का परिणमन होता है भगवान, ये जो ज्ञान का परिणमन होता है, उस ज्ञान के परिणमन में अपनापन, परिणमन में नहीं, अवस्था में नहीं, अपनापन ज्ञान मात्र, ज्ञान सत्ता में, और सत्ता का मतलब अकेला ज्ञान नहीं लेना, वहां अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा द्रव्य पूरा, अनंत गुणों का घनपिंड है इसके ऐसे। ज्ञान की एक समय की अवस्था में वो पूरा त्रिकाल ज्ञान जिसके दर्शन में आता है, जिसकी दृष्टि में आता है, देखा किसको, जोर किस पर दिया, जोर सागर उछलता है, वो तरंग उछलती है, जो तो तरंग के उछलने में ही, अब तरंग जो है वो पूरब की दिशा पर है, पूरब में जो तरंग उठती है, अब मैंने आपको पूछा कि आप किसको देखते हो, तो आपने कहा कि मैं तरंग को देखता हूं, मैं तरंग को देखता हूं, ऐसा आपने कहा, और तभी मैंने कहा तरंग को मत देखो, सागर को देखो, तो आपने अपना मुंह घुमा करके पूरब से पश्चिम दिशा की ओर कर दिया कि कहां है सागर, सागर कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो तरंग जो है, उस तरंग में तरंग की रुचि छोड़ दो तो सागर दिखाई देगा। ऐसे ही ये जानना, जानना ये जगत के पदार्थों को जानने का कार्य तो होता है, इन जानने के कार्य के काल में जानना, जानना, जानना परिणमन पर अपनापन नहीं, उसका जोर, वो परिणमन तो होता है, उसको रोकता नहीं है, वो तरंग को रोका नहीं जा सकता, तरंगों को रोका नहीं जा सकता, तरंग तो रहेगी, मगर तरंग के काल में तरंग से न्यारा सागर देखा जा सकता है, वही आत्मा के दर्शन की विधि है। चैतन्य परमात्मा के दर्शन की ये विधि, ये ज्ञान की जो ये पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय में वो दशा आएगी, खतरनाक है ये उनके लिए जो भटकना चाहते हैं, उनके लिए ये वाणी बहुत खतरनाक है, ये बरसात बहुत खतरनाक है, मैं किसी के घर पर ठहरता था, फिर उन्होंने मुझे बुलाना बंद कर दिया, कभी कभी आते थे, मिलते थे, वो मिलना भी बंद कर दिया, फिर मैं एक बार उनको रास्ते पर ही मिल गया, मैंने उनको पूछा कि चलो बात करते हैं, क्या हुआ, कुछ अपराध हो गया, कुछ गलती हो गई, जानबूझकर हो गया वो अपराध, अनजाने में हो गई वो गलती, कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई तो बताओ, बैठते हैं, बात करते हैं, समाधान होगा। उन्होंने मुझसे कहा नहीं,
अब मुझे आपसे बात नहीं करनी। एक कारण तो बता के जाते, फिर उन्होंने बता दिया, नहीं रहा गया। आप मेरे घर पर ठहरे तब आपने मुझे प्रयोग कहा, जो प्रयोग करने के लिए कहा वो प्रयोग करते 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 ऐसी स्थिति हुई कि बहुत बार ऐसा अवसर आया कि मैं अपना नाम भूल गया। ऐसा अवसर बहुत बार है और मुझे लगा कि मेरा संसार खतरे में है। तुम्हारा संसार तुम्हें खतरे में लगेगा क्योंकि तुम्हें यहां रहना है, इसलिए तुम्हें खतरे में वो लगेगा। और ये मार्ग यहां रहने वालों के लिए ये मार्ग नहीं, ये मार्ग तो यहां से विदा होने को तैयार है, अनंत सिद्धों के पास विराजमान होने के लिए। यदि तुम विचार करोगे फिर तुमको स्वयं को ऐसा लगने लगेगा, क्योंकि तुम विचार से ये निर्णय लेते हो और अंतर में विचार करते करते, जैसे अमेरिका का ऐसा वैज्ञानिक जिसने विज्ञान के क्षेत्र में खोज की, थॉमस अल्वा एडिसन, भूल गया था अपना नाम, मगर तुम कुछ गवाने को तैयार ही नहीं होते और तुम्हें आत्मा को पाना है। छप छपिया करवा छे पानी मां बार किनारा ऊपर अने वात करो छो के मारे समुद्र ना अंदर बिल्कुल उंडाण मां जवू छे, इतनी गहराई में जाना है, पर थोड़ा साहस भी नहीं करते। सत्ता मात्र पर जोर, विचार करने पर भूल जाओगे तो निराश मत होना। ध्यान न रहा मैं चैतन्य, ध्यान न रहा उस तत्व विचार की गहराई में जाने पर कि हाथ लग गया गरम गरम तवे पर, मगर जो इतना चैतन्य की गहराई में गया है वो तवे के गर्म को जानने के काल में ज्ञान का अनुभव करेगा, वो शिकायत न करेगा क्योंकि इतनी गहराई में गया है। आत्मा की अनुभूति स्वयं की संतुष्टि, स्वयं से संतुष्ट हुआ इन परमाणुओं के लिए जैसे वो विरोध नहीं करता, ऐसे ही वाणी के परमाणु के लिए भी विरोध नहीं करता। चैतन्य दीपक, ज्ञान दीपक से ये परमाणु प्रकाशित होते हैं। दीपक की ज्योति से दीपक की मिट्टी प्रकाशित होती है। मगर यदि तुम्हें स्वयं की ज्योति पर श्रद्धा है तो शिकायत न करोगे कि यह मिट्टी मेरे पास में क्यों। यदि स्वयं की सत्ता और पर पदार्थ की सत्ता के बीच में
द्रव्य की स्वतंत्रता की वज्र की दीवार के तुम्हें दर्शन हो गए हैं, तो शिकायत न करोगे कि इन परमाणुओं का मेरे पास आना क्यों हुआ। जैसे ज्ञानी शिकायत नहीं करता, इन परमाणुओं के बारे में कोई शिकायत नहीं करता कि ये परमाणु मेरे पास क्यों, इशारा इन परमाणुओं पर करता है, मगर जोर अंतर पर चैतन्य पर है। हाथ घूमता है कि ये परमाणु मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में तैयार हुए, ये पिंड के रूप में ये परमाणु तैयार हुए, मगर उन परमाणु के तैयार होने में जो शिकायत नहीं करता, जो 24 घंटे साथ में रहता है इन परमाणु के, 24 घंटे जिन परमाणुओं के निकट रहता है, उन परमाणुओं को वो ग्रहण नहीं करता, धारण नहीं करता, उसे शिकायत भी नहीं करता। इसे हटाओ, इसे रखो, इन परमाणुओं के प्रकाशित होने को मात्र देखता है कि मेरा यह चैतन्य प्रकाश इन परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं। यह चैतन्य प्रकाश ज्ञान ज्योति, यह पुद्गल का प्रकाश नहीं, यह ज्ञान सत्ता उसमें कहीं पर भी नहीं। कोई तालमेल ही नहीं बैठता, कहां चेतन कहां जड़, कोई रिश्ता ही नहीं, कोई मुलाकात नहीं। और 24 घंटे जिन परमाणुओं के साथ में एक क्षेत्र पर रहता है, ऐसा यह भगवान आत्मा इस शरीर के परमाणुओं के बारे में शिकायत नहीं करता। तो वाणी के परमाणु, तुमने मुझे कहा कि तुम बहुत बुरे हो, जब इन परमाणु की, ये परमाणु की शिकायत न रही, तो वो वाणी के परमाणु की शिकायत का, जो आए और गए, ये तो 24 घंटे साथ में रहते हैं, उसकी भी शिकायत नहीं, तो वाणी की शिकायत वो कहां करे। तुम स्वयं की सत्ता का अनुभव कर, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे तुम यही, फिर तुम जाते नहीं। अभी अभी किसी ने मेरी खबर फैलाई कि मेरे पास कुछ ऐसा चमत्कार है कि लोग आते हैं, मैं उनको सम्मोहित कर देता हूं, हिप्नोटाइज, चमत्कार करके, जादू करके, जाल फैला के, ऐसा करके, जंतर मंतर तंतर है हमको। और कैसा बड़ा उसका, उसने कुछ नाम भी भेजा है, वो मेरे ख्याल से सम्मोहन विद्या का गुरु होगा, सब नाम जानता है, सम्मोहित कर देता, बहुत चमत्कार है मेरे पास, है सचमुच चमत्कार चैतन्य का, कि सुना तुमने और संसार से थके हो, तो फिर दूर न जा सकोगे, फिर तो बस यात्रा करनी ही होगी। सम्मोहित हो जाए वो भी थोड़े दिन सम्मोहित, फिर वो छूट जाता है सम्मोहन सब, मगर ये तो ऐसा, इतना थका प्यासा, जिसे अंतर में ऐसा लगा कि मेरी प्यास यहां से छिप सकती है, उस व्यक्ति को तुम सम्मोहित कहके अपमान मत करना। उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला, हृदय के तार वहां से वीणा बजने लगी,
कुछ संगीत वहां पैदा हुआ, उसने कुछ सुगंध को सूंघा जो चमड़ी से सूंघा नहीं जा सकता। वाणी के बीतने के बाद भी उसे गूंजते हैं उसके कानों में ये शब्द। पुकार तो गई मगर गूंजती रहती है अभी। यही तो है क्या पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी सम्मोहित करते थे, क्योंकि कुछ लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं कि आज भी सपने में मुझे वो पुकार सुनाई देती है जब वे कहते थे भगवान आत्मा। अब उनको रात को नींद में भी भगवान आत्मा ये सुनाई देता है, क्या वो सम्मोहित हो गए? नहीं, उनके हृदय को छू लिया। ज्ञानी वह जो दूसरों को प्रभावित नहीं करना चाहता, और ज्ञानी वह जो दूसरों से प्रभावित होना भी नहीं चाहता। नहीं चाहता ऐसा नहीं, नहीं होता। चाहने न चाहने से क्या, दूसरों को प्रभावित करने में दूसरों की हिंसा है और दूसरों से प्रभावित हो जाने में स्वयं की हिंसा है। वो सिर्फ पुकार कर देता है, वो करता भी नहीं। उठ जाती है पुकार, कहना तो कुछ भी नहीं था। मगर कह दिया बहुत कुछ यह जानकर यह अवसर बार बार न आएगा। घड़ी में बार बार होंगे, बार बाजे ना बार मिनट, बारह बजकर बारह मिनट, बार बार ये होंगे, रोज होंगे, दो बार होंगे, दिन में रात में, मगर ये अवसर बार बार न आएगा। आप सब परमात्मा बार बार निकलो, यानी पहला आप परमात्माओं ने मुझे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक विनयवान होकर सुना, और मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। सत्य के लिए संगठन नहीं होता, भीड़ इकट्ठी नहीं होती। आज तक ऐसा ही हुआ, दुनिया के सामने ज्ञानी हारते क्यों गए? कोई सत्य की बात लेकर आता है वो हार जाता है, क्योंकि वो अकेला होता है, उसके साथ में भीड़ नहीं होती। झूठ के साथ में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, संगठन बन जाते हैं, और फिर वो संगठन ये सत्य की पुकार करने वाले के लिए इंतजाम करता है कि जल्दी से विदा कर दिया जाए। इसलिए मैंने कहा जीसस को सूली, वो कुछ सत्य की ऐसी पुकार करते थे, ऐसी पुकार करते थे कि कोई तुम्हें एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल भी धर देना। ऐसी कुछ बातें करते थे, मगर वो भी पचा न सके। मोक्ष के मार्ग की वितरागता की बात तो अत्यंत दूर, ये भी पचा न सके। सदा ही इस पृथ्वी पर होता हुआ और जो भी ग्रंथों को मैंने पढ़ा है,
इतिहास को, ग्रंथों को, पुराणों को सत्य की पुकार करने के लिए आए हैं, उनके साथ ही न मिले। महात्मा गांधी जी भी परम कृपालु देव को परम कृपालु देव कहके नहीं पुकारा कभी। कवि श्री, बस बात खत्म हो गई। आज हम परम कृपालु देव की जय बोलते हैं क्योंकि वे नहीं है, नहीं। मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, मैं कैसे हो सकता हूं गांधी जी का विरोधी? मैं नाथूराम गोडसे का भी विरोधी नहीं तो गांधी जी का विरोधी कैसे होऊंगा? मैं नाथूराम गोडसे को भी परमात्मा की दृष्टि से देखता हूं तो गांधी जी से मेरा क्या। मगर मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, सचमुच ही चले गए तो उनकी पूजा शुरू करते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने ये बात कही किसी सम्मेलन में। एक मित्र दूसरे मित्र को खबर देता है कि हमारा एक मित्र है वो मर गया, चलो मर गया। तो दूसरा मित्र क्या कहता है, बहुत अच्छा आदमी था, यदि सचमुच मर गया तो, मर गया तो बहुत अच्छा आदमी था, क्योंकि इस दुनिया में अच्छा तो तब से प्रारंभ होता है यदि मर जाए। इसलिए तो मुर्दे के पास में जाकर कहते हैं बहुत अच्छे आदमी थे, कहे नहीं तो भी थोड़ा अंदर में लगता है बहुत सारा था बहुत, क्योंकि मुर्दा अहंकार को झटका नहीं पहुंचाता, जिंदा बैठा हुआ तुम्हारे अहंकार को झटका पहुंचाता है। और जब भी अहंकार को झटका पहुंचता है तुम इंतजाम करते हो। धन्य भागी है वे जिन्होंने सत्संग का सदुपयोग कर दिया, उनमें आप हो और आपने मुझे सत्संग का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कर। Amen.